हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे पोटैटो बॉल्स। फ्रेंड्स, आलू से बहुत टेस्टी स्नैक्स फ्रेंड्स बहुत झटपट बनती है। सिर्फ आप 10 से 15 मिनट में ये स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलते हैं फ्रेंड्स रेसिपी को। इसको बनाने के लिए मैं 4 आलू ली हूँ, मीडियम साइज़ के। आलू को छील लूँगी और आलू को अच्छे से दो पानी अच्छे से हम धो लेंगे। उसके बाद आलू को हमको कट करना है। आलू को बड़े बड़े पीस में कट करना है, जैसे मैं वीडियो में कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ऐसे ही सारे आलू को हम कट कर ले रहे हैं। मैं आलू को फटाफट कट कर ले रही हूँ। आलू को काट के हम एक पानी अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद आलू को उबालने के लिए रख देंगे। मैं एक पतीले में 1 लीटर पानी डाल के आलू को उबलने के लिए रख देती हूँ। आलू को 10 मिनट तक उबालेंगे। 10 से 15 मिनट में आलू उबल जाती है फ्रेंड्स। आप पहले अगर आलू उबाल ले रहे हैं तो फ्रेंड्स आपका रेसिपी 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। जब तक आलू उबल रही है तब तक एक छोटी वाली मिक्सी के जार लेंगे। 4 चम्मच जितना सूजी लेंगे। सूजी को पीस के एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। आलू उबल गई है, आलू को छान लेंगे। आलू में पानी नहीं रहनी चाहिए। आलू को अच्छे से छान के एक बॉल में ले लेंगे और पोटैटो मैशर से अच्छे से आलू को हम मैश करेंगे। आलू में बिल्कुल गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेंड्स एकदम अच्छे से आलू को मैश करना है। जितना अच्छे से आप मैश करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्नैक्स बन के तैयार होगी। मैं आलू को बिल्कुल अच्छे से मैश की हूँ, एक भी गुठली नहीं है, आप देख सकते हैं। जब आलू को अच्छे से मैश कर ले, उसके बाद जो हम सूजी पीस के रखे हैं पाउडर बना के उसको डाल देंगे और 4 चम्मच इतना कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और डाल के इनको मिक्स करना है। और 1 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 2 चिटकी जितना काली मिर्च और 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करना है। मैं फटाफट इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। एक डो के फॉर्म में आ जाती है। हाथ में तेल लगाएंगे, इसका छोटा छोटा बॉल्स तैयार करेंगे। आप जितनी साइज का बॉल्स बनाना चाहे उतनी साइज का बॉल्स बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, मैं मीडियम साइज का बॉल्स बना रही हूँ। सारे बॉल्स बना के मैं तैयार कर ली हूँ और इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में मैं 1/2 लीटर तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर ली हूँ और बॉल्स को डालती जा रही हूँ। इतना तेल गर्म होना चाहिए कि डालते डालते तेल में बबल्स निकलना शुरू हो जाए। जब पूरे डाल लेंगे बॉल्स तो करछी लेके तेल ऊपर से डालेंगे बॉल्स पे, ताकि इसका स्किन ऊपर वाला टाइट हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो, कम टाइम में अच्छे से ये फ्राई हो जाए। 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाती है और करछी से उसके ऊपर तेल डालते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि चारों तरफ से ये स्नैक्स हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर कितनी बढ़िया आ गई है। जब ऐसे कलर आए तो एक प्लेट में हम सारे बॉल्स को निकाल लेंगे। ऐसे दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। मैं फटाफट दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ और करछी से इसमें भी तेल डालना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि अच्छे से फ्राई हो। और एक प्लेट में निकाल के हम इसको सर्व करेंगे। मैं इसको किसान केचप के साथ सर्व कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैं एक बॉल्स को तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, देख सकते हैं फ्रेंड्स अंदर से कितनी सॉफ्ट है, ऊपर से एकदम क्रंची ये स्नैक्स बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। बच्चों को स्नैक्स बहुत पसंद आती है। अगर फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। बाय फ्रेंड्स।